आगे ऑन हो गया, ऑन है। यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी AICC के प्रवक्ता विनीत पूनिया जी और हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं अतर सिंह सैनी जी पिछड़ा वर्ग से। मैं सबसे पहले तो मैं जो बिहार की सरकार ने जो जातीय जनगणना कल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे और लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा जय जवान जय किसान का था, उस दिन जो है जातीय जनगणना उजागर करी, जिससे कि देश की राजनीतिक दिशा और लोगों को ये पता लगेगा कि हमारे देश की ऐसी पॉपुलेशन भी है जिसको किसी भी प्रकार से दरकिनार नहीं किया जा सकता, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। 1931 में पहली जातीय जनगणना हुई थी, उस टाइम 52% आबादी जो है वो दर्शाई गई थी। उसके बाद 1941 में हुई जिसको सार्वजनिक नहीं किया गया, 2011 में कास्ट सेंसस हुआ जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और अनेक मंचों से कई लोगों ने ये कई बार इस बात के लिए दबाव डाला गया कि आप उसको उजागर करें, लेकिन भाजपा पता नहीं किस बात से डर रही है कि 2011 की जातीय जनगणना को उजागर नहीं कर रहे हैं। अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है वो 63% दर्शाई गई है, यानी करीबन 11% का जंप है आबादी के अंदर। और जो हमारे जो RSS के बंधु हैं, इन्होंने अनेकों PIL द्वारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जातीय जनगणना बिहार की गवर्नमेंट कर रही थी उसको रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक बार उनको स्टे भी मिल गया था लेकिन हाई कोर्ट ने उस स्टे को हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बदस्तूर जो है उसी तरीके से अपनी राय रखी कि देश के अंदर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, डाटा नहीं होगा तो काम चल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पटिशन जो हैं पंचायती राज के अंदर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने OBC की जो है आरक्षण पर जो है रोक लगा दी, पूछा कि भी डाटा दो तो डाटा नहीं। जब तक डाटा नहीं होगा, अभी जो 63% जो पॉपुलेशन है ये करीबन 215 जातियां हैं, कई कम से कम 113 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 0 पॉइंट्स से नीचे है, तो उनके बारे में, उनके बारे में कौन सोचेगा। अनेकों जो योजनाएं हैं जो बनानी है हमने, चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हों, चाहे हमारे OBC के भाई हों, इवन जो EWS के लोग हैं
उनका भी तो सर्वेक्षण हुआ है, इसमें केवल ओबीसी का थोड़ा ना हुआ है, उसमें जो गरीब लोग हैं उनको फायदा मिलेगा इस बिहार के अंदर, उनके लिए पॉलिसीज बनेंगी, हाउसिंग पॉलिसीज है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कार है, किसके पास आर्थिक स्थिति की किसकी कैसी है, राजनीतिक रूप से कौन कितना प्रभावशाली है, शैक्षणिक रूप से क्या व्यवस्था है जिन जातियों की, और सामाजिक रूप से कितना दबाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हों और इवन शेड्यूल्ड कास्ट में ऐसे आबादी हैं जो विधायक एमएलए नहीं बन सकते, तो उनको जो है सरकार के पास जब डाटा होगा किसी को एमएलसी बना सकते हैं, किसी को राज्यसभा में ले आ सकते हैं। और जो आंकड़े जो पेश किए हैं बिहार ने, उससे जो है भाजपा घबराहट में आ गई है, और प्रधानमंत्री कहते हैं इससे जो है सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी, और कांग्रेस जो है जातिगत बातें करके एक पाप कर रही है। अभी बयान दिया, कल बयान दिया उन्होंने, पाप कर रही है। पाप है क्या? इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको आप, उनके बारे में आप पता कर रहे हो उनकी व्यवस्था क्या है, उनको आप क्या, कौन सी ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनाने के बारे में जो हमारा प्लेनरी सेशन हुआ था एआईसीसी का, वहाँ पर बकायदा इस बात के बारे में जो है ये बकायदा ये कहा गया था कि हम लोग जो हैं ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि उनके लिए योजनाएं बन सकें। इवन जो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी जी को 16 अप्रैल 2023 को कि आप कास्ट सेंसस करवाएं, जिससे कि डाटा हमें मिल सके। हम कई राज्य सरकारें, जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ पर जो आरक्षण 14% है वो 27% के लिए बिल भेजा हुआ है, गवर्नर के पास 6 महीने से बिल को लिए बैठे हैं। क्यों लिए बैठे हुए हैं इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रपति जी के पास जो है या प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी बोले उनको कि बिल लिए क्यों बैठे हैं, या फिर उनकी जो सोच जो है पिछड़ा वर्ग विरोधी है। और 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी ने ना हमारे राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था कि आप जो है कास्ट सेंसस 2011 में जो हुआ था उसको पब्लिक करें ताकि जो 50% का जो कैप लगा रखा है उससे ज़्यादा जा सकें। देखिए वैसे तो इंदिरा सानी जो एक जजमेंट आई थी उसमें 50% को हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन एक 5 बेंच की जज ने ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन के लिए जो है इजाज़त दे दी, तो जम तो वैसे कर गए 50% को, 60% तो वैसे ही हो गया। जिन प्रदेशों में 50% का कैप था वहाँ 10% जब ईडब्ल्यूएस को दिया तो 60% तो हो ही गया। फिर वो इंदिरा सानी का जो जजमेंट है उसको तो ओवररूल कर दिया ना। तो अब जो है अगर आरक्षण वहाँ बढ़ाया जा रहा है तो उसको रोका क्यों जा रहा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। आप देखेंगे अभी जो है हमारे जो केंद्र शासित जो हमारे राज्य हैं जो जहाँ भाजपा है उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही,
और आपका जो BHU है उसमें OBC के फंड से एक भी छात्रावास तैयार नहीं किया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक भी छात्रावास नहीं तैयार किया गया जहां OBC को ठहरने की कोई जरूरत हो। राहुल गांधी जी ने कहा था, तीन हमारे सचिव हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें केवल 9 प्रोफेसर्स हैं, केवल 9 प्रोफेसर्स हैं। जुडिशरी में हमारी भागीदारी मात्र 4% है, एसोसिएट प्रोफेसर्स 2% हैं, शैक्षणिक तौर पे उसका कारण यह है क्रीमिले लगा दिया, और क्रीमिले लगा दिया कितना, 8 लाख। अब आज के जमाने में 8 लाख इस युग के अंदर जहां पर इतनी महंगाई हो रही है और ये कहते हैं पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रही है, तो 8 लाख का कैप तो बहुत ही कम है, इसको कम से कम 14-15-16 लाख होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को क्या होता है कि हमारी सीट भरती नहीं है, उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को घुसा देते हैं, चाहे वो प्रोफेसर प्रोफेसर हों यूनिवर्सिटी में, चाहे आपके, और नीट परीक्षा में तो आज तक OBC का आरक्षण ही लागू नहीं किया। देखो कमाल की बात है ये, जो 63% जिसकी आबादी है, जिसकी अभी तो बिहार की आई है, अगर पूरे देश की होगी तो हो सकता है वहाँ पर, जैसे पहले हम कहते थे 52% थी, हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारी 58% हो जाए, 59% हो जाए, 59% हो सकती है। तो क्या हम लोग जो हैं OBC का राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, के जो मुख्यमंत्री हैं। न्यायपालिका में हमारी भागीदारी नहीं है, MSME जो उसमें जो मुद्रा लोन है, जो छोटे मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उसमें जो है लोन देने का प्रावधान नहीं है OBC के जो लोग हैं, और देखिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के 5 सदस्यों की नियुक्तियां इन्होंने नियुक्तियां पूरी आज तक नहीं करी हैं, अब तक केवल एक अध्यक्ष है और एक सदस्य है, केवल 2 लोग नियुक्त किए हैं, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसमें 5 सदस्यों की नियुक्तियां 18 महीने से अब तक लंबित पड़ी हुई हैं। अरे जब आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको ही आप पूरा नहीं कर रहे, मोदी जी कहते हैं मैं OBC हूँ, तेली हूँ मैं, भैया नकली OBC हैं, अगर सही मायने में उनको, अगर वो चाहते हैं OBC का भला तो कास्ट सेंसस करवाएं, छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाएं। हमारी पार्टी ने जो अभी हमारा अधिवेशन हुआ था रायपुर के अंदर, वहां ये फैसला लिया हमने कि अगर हम लोग ये हमारा रायपुर में हुआ था हमारा, उधर हम लोगों ने ये फैसला ले लिया था पहले ही कि अगर महिला आरक्षण अगर हम लेके आएंगे 2024 में, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है जातीय जनगणना हम करवाएंगे, कास्ट सेंसस पूरे देश में करवाएंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी जब लोगों के बीच में गए तो उनको SC ST OBC की जो महत्व है, जो उनकी भाग, जो जिस राज्य में SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है वहाँ हमारी सरकार सत्ता में नहीं है, चाहे आपका UP लगा लीजिए, चाहे उड़ीसा लगा लीजिए, बहुत सारे राज्य मैं आपको बता सकता हूँ। 2010 के अंदर हमारा महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन इसमें लोकसभा में क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमने SC ST OBC माइनॉरिटी जो महिलाएं थीं उनको 33% आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया था,
जिसकी वजह से जो नेता थे हमारे, जो हमारे यूपीए के जो पार्टनर्स थे, चाहे वो डीएमके थी, चाहे वो आरजेडी थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी, उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। वरना तो राहुल गांधी जी का सपना सोनिया गांधी जी पूरा करना चाहती थी, राज्यसभा में हम पास ही क्यों करते। अब जो ये इसके अलावा जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ये भी फैसला लिया था कि हम इंडियन जुडिशियल सर्विस लेके आएंगे, जैसे यूपीएससी की तर्ज के ऊपर इंडियन जुडिशियल सर्विस लेके आएंगे, जिसमें एग्जाम होंगे और एग्जाम के अंदर जैसे यूपीएससी में एग्जाम होते हैं, जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होंगे और उनमें से जो पास होंगे उसको जो कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम जो उनमें से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन करेंगे, उसमें से जो कॉलेजियम सिस्टम जिसको सिलेक्ट करेगा वो जज बन जाएगा। तो हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको जो है मौका मिलेगा जुडिशरी में आने का, आपके अन्य जगह आने का। हायर एजुकेशन में हमें आरक्षण देने की हमने बात करी है। हम कल जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस कमेटी ने, वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन हैदराबाद में 16 सितंबर 2023 को ये बात कह दी थी कि सबसे ज़्यादा कारण है 14 करोड़ जो देश के सबसे गरीब लोग हैं उनको जो है आज तक राशन नहीं दिया गया। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं और उनको देने का प्रावधान हमारी पार्टी करेगी। 14 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भोजन नहीं मिल रहा है। ये खाद्य आपूर्ति सुरक्षा बिल कौन लेके आया था? कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, जिसका ये ढंडोरा पीट रहे हैं। सोनिया गांधी जी की सोच थी, राइट टू एजुकेशन जो है वो उनकी सोच थी, और मोदी जी ने जो वर्किंग कमेटी ने जो फैसला लिया था उसको मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, उसके बारे में इन्होंने कास्ट सेंसस के बारे में बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। आज तक कास्ट सेंसस जो 2021 में होना था वो क्यों नहीं किया इन लोगों ने? फिर जब इन्होंने ये बिल पास किया, इन्होंने बिल पास किया, कल हमने एक कल मेमोरेंडम दिया राष्ट्रपति को, जिसमें हमने बकायदा ये कहा है कि 1989 में देखो वीपी सिंह ने केवल घोषणा की थी मंडल कमीशन की, और 1989 में 33% रिजर्वेशन पंचायती राज में लाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उस वक्त भी जो है ये बिल राज्यसभा में रह गया था, पास होता हुआ 7 वोटों की वजह से, इसलिए नहीं हो पाया, वरना तो ये इंट्रोड्यूस हो ही गया था राजीव गांधी के समय में। और जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, हमने अभी जो इन्होंने बिल पास किया, कांग्रेस ने रोड़ा, इवन तमाम विपक्ष ने यूनैनिमसली जो है ये बिल पास किया और कहा कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए, और अनेकों अमेंडमेंट लेके आए, डीएमके ने दिया, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे समाजवादी पार्टी से, आपके अपना दल जो इनका खुद का घटक है उन्होंने ये मांग उठाई कि आप, हमने बिल पास कर दिया है लेकिन आप अमेंडमेंट लेके आए कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं को आप आरक्षण दें, अगर आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो आप ये एक सबसे बड़ा गुनाह है कि आप देश की जो 80% आबादी है, जो महिलाएं राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जनरल कैटेगरी की महिलाओं का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, उन लोगों को आप जगह दो, आरक्षण दो, कोटे के अंदर कोटा दो। इन्होंने एससी एसटी को जो आरक्षण दिया है, जो एससी एसटी के जो एमपीज बनते हैं वहां दिया है, लेकिन जो 30% जो आरक्षण दिया है उसमें सारा जनरल कर दिया, यानी बैकडोर एंट्री से संघ, जो संघ की जो सोच है
उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमने राष्ट्रपति जी को ये लिखा है कि साहब जो है आप इसके बारे में विचार करें और जितने भी हमारी ओबीसी एसटी एसटी माइनॉरिटी की महिलाएं इनको जो है आप निर्देश दें प्रधानमंत्री को कि वो जो हैं लागू करें ताकि हमारी जो महिलाएं हैं जो हर प्रकार से पिछड़ी हुई हैं। देखिए इससे लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं अगर हम कास्ट सेंसस कर लेते हैं तो जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए पॉलिसीज नहीं बनेंगी, उनके लिए एजुकेशन के अंदर स्कॉलरशिप का प्रावधान कर सकते हैं, उनके लिए मकान बनाने की बात हम कर सकते हैं, जिनका हमें पता है कच्चे मकान उनके लिए पक्के मकान का बजट हम प्रोविजन कर सकते हैं। कास्ट सेंसस केवल जातिगत जनगणना की बात नहीं है, इसका मकसद ये है कि तमाम चीजें पूरा डाटा हो हमारे पास। आपको हैरानगी होगी कि हरियाणा में 6% 6 लाख की क्रिमिनलियर कर दिया, उसमें सैलरी भी डाल रही, सैलरी भी डाल दी और जो इनकम है क्लास 4 के एम्प्लॉय वो भी डाल दिया। तो आप मुझे बताएं क्लास 4 के बच्चे को क्या आरक्षण मिल जाएगा? हरियाणा में तो क्लर्क के बच्चे को भी के आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? वो जनरल कैटेगरी को मिलेगा, क्योंकि वो सीटें भरेंगे नहीं, वो जनरल कैटेगरी को दे देंगे। तो ये जिस तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, इवन जो तमाम राज्य हैं तो हमारा जो मामला जो है 2010 के अंदर भी राज्यसभा में बिल हमारा पास हो गया था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। आज भी हम लोग जो हैं विनती करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, ये आप ना कहें कि बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है एक बहुत बड़ा पाप हुआ है, ये पाप नहीं हुआ है, ये पुण्य का काम हुआ है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के फायदे के लिए कार्य किया है। प्राइवेट सेक्टर में भी हमारा जो रायपुर का जो अधिवेशन हुआ था, हमने ये भी कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे, क्योंकि ये निजीकरण करे जा रहे हैं, रेलवे का, बंदरगाह का, एयरपोर्ट का, इन सब का जो है निजीकरण करे जा रहे हैं। तो हमने ये भी विचार किया, रेजोल्यूशन पास हुआ बाकायदा ये कह के कि हम निजी क्षेत्र में भी और हायर एजुकेशन में भी और महिला आरक्षण में भी हम लोग ये लागू करेंगे। ये मैंने आप लोगों से कहना था। और हमने अपनी जो पार्टी के जो पोस्ट हैं उसमें भी 50% पोस्ट हमने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के लिए रखा है, ये मैंने आप लोगों से बात कहनी थी। बाकी अगर कोई बात अगर आप कोई पूछना चाहते हैं या आपको कोई शंका, अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो गरीब वंचित समाज बहुजन समाज के लोगों के बारे में, राहुल जी ने तो बाकायदा ये बताया था कि 90 में से केवल 3 सचिव हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना प्रोफेसर हैं ना हमें इंडस्ट्रीज में जो हमारे जो ना हमारा डिपार्टमेंट ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट है। ओबीसी के लोगों को इन्होंने केवल जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं और खाने वाले दूसरे होते हैं वो अलग कर रखा है। उसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड में चेहरे दिखा देते हैं ओबीसी के, उनके लिए करते कुछ नहीं है। मैं ये कहना था, बाकी आपने कोई बात पूछनी हो तो बता दीजिए। इसी मुद्दे भी आपने लास्ट में ये कहा कि हमारी पार्टी ने 50% आरक्षण पार्टी के अंदर करने के लिए कहा है जी। तो अब जिस तरीके से आपकी उच्चाधिकार समिति है CWC, उसमें क्या 27% ओबीसी का आरक्षण लागू हो गया ऐसा या नहीं? जो, सर जो हमारी वर्किंग कमेटी बनी है जी, उसमें हमारे जो ओबीसी की जो संख्या है
और एससी एसटी माइनॉरिटी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है इट इज 50%। जो आपकी अभी वर्किंग कमेटी बनी है उसमें अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, हो सकता है 1-2% की कमी पेशी रह गई हो, लेकिन इट इज टचिंग 50%। सर आपके पार्टी के बड़े नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी डॉक्टर क्या बोला है? उन्होंने लिखा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नेवर द सेम एज इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, पीपल इंडोर्सिंग जितनी आबादी उतना हक। बात सिंघवी जी कहेंगे वो कोई पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी की हट से कोई हटकर कोई बात कहता है तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। हमारी लाइन ये नहीं है, हमारी लाइन ये है गरीब वंचित बहुजन समाज को आर्थिक सामाजिक लाभ दिया जाए। कैप्टन साहब इस तरफ कैप्टन साहब, सर पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटना चाहती है और देश में मात्र एक जाति है वो है गरीब की जाति। आप मुझे बताएं, ये कह रहे थे कि जो कास्ट सेंसस जो हम करेंगे 2029 में, 2025 में हम कास्ट सेंसस कराएंगे, तो क्या उनका भी उद्देश्य यही है कि हिंदू समाज को बांटना? उसका जवाब प्रधानमंत्री दे दें। अगर कास्ट सेंसस 2025 में कह दें कि वो हमने, वो भी जुमला था एक, अगर वो जुमला है तो इसका मतलब भाजपा भी ये चाहती, जो उनकी सोच है हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच है जो वंचित समाज और बहुजन समाज के लोग हैं उनको अधिकार देना। थैंक यू।